गुड मॉर्निंग गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक वीडियो को लेकर। तो करीब करीब भाई एक मंथ हो चुका है उसके लिए गाइस सॉरी। तो आज आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कहाँ के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा वाइट कुर्ता पहनकर। तो गाइस भाई आज मैं जा रहा हूँ जुब्बल, जो तहसील है वो आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊँगा। मतलब कि बहुत अच्छी सी जगह है, राजा का महल भी है वहाँ पर, उसको भी एक्सप्लोर कराएंगे। अंदर तो शायद नहीं जाने देते लेकिन बार बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते हैं अंदर ही माँ को एंट्री मिलती है या नहीं। तो गाइस भाई घर से तो मैं निकल चुका हूँ, अभी मुझे पहले जाना होगा पटसारी, पटसारी के बाद फिर मैं कैंची जाऊँगा। अगर मुझे टैक्सी मिलती है, अगर मुझे डायरेक्ट बस मिलती है तो मैं डायरेक्ट ही जुब्बल जाऊँगा। तो अगर टैक्सी मिलती है तो मैं यहाँ से पहले हाटकोटी, हाटकोटी से फिर वहाँ से एक और टैक्सी पकड़ूंगा और फिर पहुँचूंगा जुब्बल। तो अभी चलते हैं। फिलहाल ये है मेरा गांव, छोटा सा मस्त सा। इधर को भाई सेब ही सेब के बगीचे है पूरे। तो गाइस भाई ये है हमारा छोटा सा शहर। नहीं नहीं गाइस, ये नहीं है जुब्बल, ये है गाइस पटसारी, जहाँ से अभी मैं हाईवे से जो टैक्सी या टैक्सी मिलेगी उसमें जाऊँगा या कुछ मिलता है तो देखते हैं क्या मुझे यहाँ से मिलता है। तो वेट करते हैं अभी। तो गाइस मुझे यहाँ से टैक्सी मिल चुकी है तो चलते हैं अभी टैक्सी में कैंची की ओर, जो सावड़ा कैंची है उधर। तो गाइस ये है सावड़ा कैंची यानी कि हाटकोटी कैंची। मेरे को यहाँ आते ही तुरंत ही बस मिल गई थी जैसे ही मैं टैक्सी से उतरा और यहाँ से शिमला वाले जो हाईवे है उसमें आगे की ओर चल पड़ा। उतरने के बाद जो बारिश है काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ लगी हुई है और अभी मैं अपना काम निपटाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को घुमाता हूँ मैं राजा का महल है जुब्बल में। वो फिलहाल तो अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश लग रही है और अभी कोई शेल्टर देखते हैं, मैंने तो छाता वगैरह भी कुछ नहीं लाया गाइस। अभी चलते हैं अभी। तो गाइस भाई अभी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरा जो काम है वो हो चुका है और पीछे की ओर सामने नज़र आ रहा है जो जुब्बल का महल है। मैंने आइसक्रीम ले ली थी, बस इसको खा रहा हूँ। अब चलते हैं पार्क की ओर सिटी में। तो गाइस भाई जैसे ही आप लोग सिटी में यानी कि जो हाईवे से अंदर की ओर जो कैंची कटती है जुब्बल के लिए, तो जैसे ही आप नीचे की ओर हल्के से उतरेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी पार्किंग। मतलब यहाँ पर जो पार्किंग है, पार्किंग कर सकते हैं आप, तो बढ़िया से आप गाड़ी गुड़ी यहाँ पर लगाओ, बाइक लगाओ, फिर उसके बाद आप घूम सकते हो, पार्क कैसल की ओर जा सकते हो और कुछ काम है वो भी कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जोरों शोरों से पुल बनाया जा रहा है। आने वाले टाइम में तो इधर भी मस्त गाड़ियाँ चलेगी पूरे पुल पर। पहले गाइस कुछ इस तरफ से जाकर गाड़ियाँ मुड़ती थी वाले कच्चे पुल के ऊपर से इधर को आगे को निकलती, लेकिन अब यहाँ से रोड आया और डायरेक्ट इस तरफ को जा सकते हो। तो गाइस भाई मैंने मेन सिटी में एंटर कर दिया है। एंटर करते ही मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, हार्डवेयर स्टोर यही शॉप मिली। और इस तरफ को देखें आप राइट तरफ में तो भाई इधर को दुकानें हैं किस चीज़ की, कपड़ों की। अगर आप खुद पहनने के कपड़े हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर, और घर में जैसे बिस्तर बुस्तर में है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही कपड़े मिलेंगे आपको। तो इस तरफ को देखूँ मैं तो भाई इस तरफ को होटल वगैरह है, काफ़ी होटल है इधर को। और ये है गाइस वीवो स्टोर, मतलब छोटी शॉप्स तो आपको मिलेगी लेकिन ये तो पूरा स्टोर ही है, तो मतलब वीवो का ही सामान यहाँ मिलेगा। और सैलून है, और गाइस इस तरफ मतलब काफ़ी अच्छी सी जगह है। और इधर को कपड़े की दुकानें हैं और आगे की ओर चलूँ मैं तो आगे को फिर से होटल है गाइस, काफ़ी अच्छा। मतलब आपको यहाँ पर देखो गाइस ये सब्जी की दुकान है, यहाँ पर आपको सब्जी डेली नीड्स की मतलब सब्जी सुब्जी लेनी हो, फ्रूट्स लेने हो वो मिलेगा। और इस तरफ को जनरल स्टोर है और इधर को कपड़े की। तो गाइस मैं आप लोगों को बोलूँ, मुझे कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो कपड़ों की दुकान है इस तरफ को भी कपड़ों की दुकानें काफ़ी ज़्यादा है ओवरऑल। मतलब मेरे को अभी तक ही, अभी तो मैंने एंटर किया है तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ही शॉप्स मुझे अभी तक देखने को मिली है। और इस तरफ को इस तरह से कुछ बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई है। तो गाइस ये है जुब्बल का बस स्टैंड। अभी तो यहाँ पर कोई बसेज है नहीं क्योंकि जेसीबी लगा था पीछे तो उसने रोड बंद किया था। पुल बन रहा है, मतलब रोड खुला हो रहा है, वहाँ पर पुल बनने के बाद तो फुल ऑन हर जगह बस जाएगी, शिमला के लिए जाएगी, रोडू के लिए जाएगी, हर जगह जाएगी बसेज यहाँ से। गाइस अब हम बस स्टैंड से नीचे की ओर उतरते हैं तो भाई हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर दो रोड। अब एक जा रहा है नीचे की ओर जो कि गाइस पुलिस स्टेशन और जाता है पर ये जो तहसील है उस तरफ में, और जो हमारा जहाँ हमें जाना है कैसल की और ऊपर की ओर जाते को सरकारी काम है काफ़ी ज़्यादा इधर होते हैं। मतलब जुब्बल आओगे तो भाई सरकारी काम तो गाइस इधर है ही है। ऊपर की ओर SBI का बैंक है और नीचे की ओर रोड मतलब आपको कपड़ों की दुकानें मिलेगी
तो अब नीचे की ओर चलते हैं हम, अभी तो फिलहाल चले जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर है गाइस, ये देखो ये सलून और इधर को कपड़े वपड़े की दुकानें, और नीचे नीचे चलते चलते भाई गाड़ी साइड साइड ब्रो, ओके ओके। तो अब यहाँ पर देखो आप नीचे नीचे चलते चलते भाई फुल, मतलब यहाँ पर देखो गाइस, अब मैं यहाँ मेरे को सामने की ओर जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है ना वो नज़र आ रही है, और इधर राइट तरफ में देखो आपको होटल वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी जगह है, पूरी उतराई वाला सीन है। इधर देखो ये टेक्नो वगैरह के जो सैमसंग गैलेक्सी के स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है भाई, वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइस ये है सामने की ओर तहसील, और भी काफ़ी सारे इधर को सरकारी ऑफिस है। बस यहाँ से नीचे उतर गया बस स्टैंड से नीचे की ओर, तो बस सामने की ओर है ये पंचायत, और सॉरी तहसील पंचायत नहीं गाइस, और इस तरफ को है यहाँ पर साथ में बिल्कुल महल। तो चलते हैं गाइस उस तरफ को, दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक से। अब अंदर जाने देते हैं, शायद जाया जा सकता है क्योंकि अंदर मुझे कुछ लोग अभी नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी चलते हैं। ये है सेकंड पुल, और इस तरफ से आगे को निकलेंगे तो इस तरफ पुलिस स्टेशन है, तहसील है, और भी शॉप्स है जैसे फोटो स्टेट, छोटी मोटी स्टेशनरी की शॉप्स, और काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें इस तरफ को कुछ देख सकते हैं आप लोग। मतलब ऐसी टाइट टाइट से रोड में ही जाता है, और यहीं से बस जाती है मेरे गांव के लिए भी भाई। तो चलते हैं, और यहाँ पर इंडियन पोस्ट का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। तरफ को है गाइस ग्राउंड रियासत अजूबल, मतलब यहाँ पर एक मतलब फंक्शन भी होता है, पर वो हो चुका है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर इस ग्राउंड में ही होता है इस तरह का, मतलब इसका पोस्टर लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ गाइस, अभी कुछ दिन तो क्या, काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे तो, एक मंथ के करीब हो चुका है, 13 मई का पोस्टर लगा हुआ है। तो यहीं पर ही सब कुछ लगता है, और यहाँ पर विश्राम गृह ही है, और ये है ग्राउंड पूरा का पूरा। इस तरफ से ऊपर का तहसीलदार के पास है, पटवार खाना वगैरह वो सब कुछ इस तरफ से जा सकते हैं, और यहाँ पर ग्राउंड में बैठना तो बैठ सकते हैं गाइज, इस तरफ इस तरह का कुछ सीन है। एक बात बोलना चाहूँगा बस आपको, नीचे जो जुब्बल के लिए रोड आया बस उसमें ही चलते रहना है, आगे 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 आगे, और बस आप डायरेक्ट पहुँचेंगे जो महल है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ही पुराना महल है ये, तो चलते हैं पार जाकर। इसके बारे में मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ जितनी मुझे पता है, बाकी ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, चलते हैं अभी। तो गाइज बस सामने की ओर से इस तरफ को आए तो बस यहाँ पर है कैसल, मतलब अंदर तो गाइज अभी जाने नहीं देंगे, मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं परमिशन अंदर जाने की, यहाँ पर लगी है बैरिकेडिंग, मतलब ये लगकर यहाँ पर इस तरह से लगा, अंदर गेट भी बंद है, तो ऐसा कुछ सीन है गाइज सामने से। तो ये यहाँ के राजा थे, जुब्बल के राजा। तो गाइज ये उनका महल है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, अभी भी प्रॉपर्टी पर्सनली है कह सकता हूँ, अभी उनके वंशज वगैरह जो आगे हैं उनके, उन्होंने हैंड ओवर किया, आगे हुई है मतलब हैंड ओवर हुई है। तो गाइज ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पर राजा रहते थे हमारी जो रियासत है पूरी तहसील के। तो काफ़ी बड़ा ही ये कैसल है, देख सकते हैं आप ऊंचा ऊंचा पूरे में, मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ गाइज इसको, ये देखो गाइज वाइड एंगल में भाई क्या ही गजब का ही दिख रहा है, इतना ऊंचा, मैंने यहाँ पर इस तरह से हूँ ना खड़ा, तो ये जो बिल्डिंग है ना वो ऊपर गई है, ये है सामने का जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है ये गाइज, और इस तरह कुछ भाई इधर है, और उस तरफ को भाई कैसल देखो आप, कितना ऊंचा कैसल है, मतलब कि गजब ही सीन है। अभी यहाँ पर कुछ लोग बस शायद सिक्योरिटी होगी तो वो है, बस एंट्री नहीं है अंदर को, तो अभी भी यहाँ पर शायद लोग है क्योंकि ऊपर को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पर्दे वगैरह है, जब आते होंगे वो गाइज इस कैसल में रहते होंगे। तो देखो गाइज कितना ही बड़ा है, और ऊपर की ओर इस पर ये इस टाइप का गुंबद भी लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ही है। मैं तो सोचता हूँ गाइज इसको तो म्यूज़ियम बना देना चाहिए, अब क्यों रखना है अंदर की ओर, तो हम जा नहीं सकते, अब क्या ही बोलूँ, अब इसके परमिशन लिए तो मेरे को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, मिले या नहीं मिले, पर शायद अभी तक कोई भी अंदर नहीं गया है उन लोगों के अलावा, तो मैं भी भाई क्यों ट्राई करूँ, वीडियोग्राफी का भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा भाई, कुछ दिक्कत ना हो जाए, अब भाई पर्सनल प्रॉपर्टी है, अब पूछा भी किसी से है नहीं। तो चलते हैं, अब जो बारिश है वो भी हो गई इस तरफ को, भाई इतना खूबसूरत है ना ये, क्या बोले, अब एंट्री गेट ही इतना ज़्यादा बड़ा है भाई, इधर से घोड़े हाथी भयंकर ऐसे निकलते थे, और इधर को ऐसा सीन है, काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा सीन है। तो मैं भी 2-4 फोटोज़ लेता हूँ, मेरे साथ ऐसे तो है नहीं कोई, अकेले ही कोशिश करता हूँ सेल्फी सेल्फी, और फिर निकलते हैं क्योंकि जो बारिश है भाई वेदर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, और
और भी आपको एक्सप्लोर कराता हूँ पूरी जुब्बल सिटी। तो काफ़ी अच्छी सिटी है, छोटी सी है लेकिन अच्छी सी है, काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए है। सबसे मेन तो ये भाई, ये कैसे लिया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो शायद फर्स्ट टाइम इस जो ये गेट है इसे यहाँ तक आ रहा हूँ। इससे अंदर तो खैर जा ही नहीं सकते ना, मैंने तो गेट ही गाइस इतने बड़े बड़े लगे हुए। वाह गाइस, तो चलते हैं अब बाहर की ओर। पुराने पुराने घर है चारों तरफ, इसके सेब के बगीचे है, तो ऐसा कुछ सीन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज सार्वजनिक शौचालय, वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, जिस वजह से भाई रोड हो चुका है ब्लॉक और बसेस आ नहीं रही है। इस वजह से अब मुझे जाना पड़ेगा हाईवे से, वहाँ से बस पकड़ूंगा। भाई पहले मैं शोर से बाहर निकला, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई इतना पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, मतलब ये अभी चला नहीं है, ये कुछ टाइम में चल पड़ेगा जैसे ही ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पर वैसे। तो गाइस भाई जैसे ही मैं टैक्सी स्टैंड पहुँचा, मुझे गाड़ी मिल चुकी है, तो मैं बस अब सीधा ही जो हाटकोटी कैंची है उसकी ओर निकल चुका हूँ। तो मिलता हूँ आप लोग सब हाटकोटी कैंची पर ही। तो गाइस भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर पर। तो भाई आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार रहा, फुल हमने मस्ती की। हमने तो क्या, मैं था और आप थे मेरे साथ, तो हमने काफ़ी ज़्यादा ही मस्ती की और पूरा जुब्बल जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, महल दिखाया, काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें दिखाई। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं भाई ऐसी ही वीडियो मिलते रहे आपको जल्दी से जल्दी, तो कमेंट लाइक तो ज़रूरी कर लीजिए। तो मिलता हूँ एक और अनदर वीडियो में कभी, और तब तक के लिए बाय।